आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार विभिन्न सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ाने को तैयार हो गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष के प्रथम और द्वितीय चरण में इंदौर शहर देश में दूसरे स्थान पर रहा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि खातों को मौजूदा यूनिवर्सल खाता संख्या के साथ जोड़ने की अनुमति दी और अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि वो विभिन्न सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाना चाहता है। महाधिवक्ता के वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की पीठ को बताया कि मोबाइल फोन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 6 फरवरी ही रहेगी। आधार योजना का विरोध करने वालों की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि केंद्र सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि आधार को जोड़ने में विफल रहने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई न की जाए। इस बीच शीर्ष न्यायालय विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगले सप्ताह संविधान पीठ का गठन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 8 अक्टूबर को आरंभ किए गए सघन मिशन इंद्रधनुष के प्रथम और द्वितीय चरण में 101% की उपलब्धि के साथ इंदौर शहर देश में दूसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ये जानकारी राष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दी। आज कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान श्री नड्डा 24 राज्यों के प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों से रूबरू हुए और सघन मिशन इंद्रधनुष की समीक्षा की। इस दौरान प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण गौरी सिंह ने मध्य प्रदेश में किए गए प्रयासों की जानकारी दी। सघन मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण प्रदेश के 14 चिन्हित जिलों में आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 18 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस सिलसिले में कल एक बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य गौरी सिंह ने तीसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की थी। बैठक में बताया गया कि 86% टीकाकरण के साथ मध्य प्रदेश सघन मिशन इंद्रधनुष देश के 3 अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर में हुए पहले और दूसरे चरण में 1,56,000 बच्चों और 35,000 से अधिक महिलाओं का टीकाकरण किया गया। इनमें से करीब 15,000 बच्चों को पहली बार टीका लगाया गया। प्रदेश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। ये दिन विशेष रूप से देश के वीर सैनिकों के सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि देश के सैनिकों ने अपनी मातृभूमि को हमेशा गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भोपाल में आज इस अवसर पर सैनिक विश्राम गृह में विशेष मासिक सैनिक सम्मेलन आयोजित हुआ। सेवानिवृत्त मेजर जनरल सिन्हा ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को स्मरण करते हुए कहा कि शहीदों के स्मरण से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सम्मेलन में भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिले में सेवारत पूर्व सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और उनके आश्रितों ने भाग लिया। शहडोल में अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्लैग लगाकर शहीद जवानों के परिवारों के कल्याण, विधवाओं और दिव्यांगों की मदद के लिए आर्थिक सहायता ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सबके लिए समानता, विशेषकर सामाजिक समानता के सपने को अभी पूरा किया जाना है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश के हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश के लोग राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के ऋणी है। आज नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र लोगों को, विशेषकर युवाओं को, डॉक्टर बीआर अंबेडकर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 दिसंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले अपने मासिक कार्यक्रम दिल से में प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे।
इस कड़ी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार के विषय पर प्रदेश के युवाओं से बात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आमजन से इस विषय पर सुझाव मांगे हैं। आमजन अपने सुझाव और विचार mp.mygov.in पर दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 4.5 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत उनके नए भविष्य निधि खातों को मौजूदा यूनिवर्सल खाता संख्या UN के साथ जोड़ने की अनुमति मिल जाएगी। इस सुविधा के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदाता अपने पिछले 10 खातों को एक बार में ही यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ सकेंगे। इस सुविधा से एक कर्मचारी के लिए एक भविष्य निधि खाते का लक्ष्य हासिल करना आसान बन जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के भ्रमण के दौरान आज सुबह बदरवास से भोपाल रवाना होने के पहले हेलीपैड पर उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हेलीपैड पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए बदरवास में समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। श्री चौहान ने स्थानीय युवाओं की मांग पर बदरवास में मिनी स्टेडियम बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 10 जुलाई 2017 की समीक्षा में दिए गए निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों में वर्ष 2016-17 में लगभग 9,11,585 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। ये अभी तक का रिकॉर्ड है। प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया है कि इससे पहले कभी भी 50% से अधिक प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर और चंबल संभागों के कुछ स्थानों पर, साथ ही उज्जैन, इंदौर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अगर बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो ग्वालियर, सबलगढ़ और मुरैना में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। उखी तूफान के कारण मौसम में हुए बदलाव का असर देवास जिले में भी दिखाई दिया। वहीं खंडवा में आज सुबह से बादल छाए रहे, जिसके चलते तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में अचानक आए मौसम में बदलाव के कारण ठंड बढ़ गई है, जिसके मद्देनजर प्रदेश के कई जिलों में सभी स्कूलों का समय परिवर्तित किया गया है। उज्जैन कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले के सभी नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों का समय आज से सुबह 10 बजे कर दिया है। इसके अलावा अधिक शीतलहर पर छुट्टी भी घोषित होगी। वहीं देवास जिले के कलेक्टर ने भी सभी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 10 बजे कर दिया है। हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया कि जिले में भी कलेक्टर ने सभी स्कूल सुबह 9 बजे के पहले न खोलने के आदेश दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के सौजन्य से 8 जनवरी से 22 जनवरी तक डिग्री कॉलेज गुना में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। शहडोल के घगडार जंगल में बाघ के शिकार में लिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वां आरोपी धोरे गांव के रहने वाले हैं। लोकायुक्त पुलिस सागर ने मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा कार्यालय में पदस्थ लेखाधिकारी जयकांत दुबे को 14,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गुना जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरपालिका परिषद राघोगढ़ विजयपुर का आम निर्वाचन सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपे हैं। और श्रीनगर में हुए एक हादसे में गोली लगने से शहीद हुए देवास के सैनिक निलेश धाकड़ की अंत्येष्टि सोनकच्छ तहसील में स्थित उनके गृहग्राम घिचलाय में हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार विभिन्न सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ाने को तैयार हो गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष के प्रथम और द्वितीय चरण में इंदौर शहर देश में दूसरे स्थान पर रहा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि खातों को मौजूदा यूनिवर्सल खाता संख्या के साथ जोड़ने की अनुमति दी और अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।